हेलो एवरीवन, आई एम अनुजा श्रीवास्तव एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर द नर्वस सिस्टम इन क्लास 7th बायोलॉजी. सो इन द प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज नर्वस सिस्टम एंड हाउ द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट द मैसेजेस. ओके, एंड इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. दैट मीन्स वॉट एवर द ऑर्गन्स विच मेड द नर्वस सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम. सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, सो हियर टू मेन ऑर्गन्स आर देयर विच इज गोइंग टू मेक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दैट आर ब्रेन्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. And these both make the central nervous system, which is also known as the CNS. And what is the role of this CNS? They are connected to the various part of body through the nerves. That means जो nerves होती हैं उनसे यह central nervous system जो होता है हमारी पूरी body के part से connected होता है. So we have to now study about the brain as well as about the spinal cord, that what is brain and what is spinal cord. So first I am going to teach you about the brain. So brain is a very very delicate human organ. ये हमारी body का बहुत ही delicate organ होता है, which is made up of soft nervous tissue. It is made up of soft nervous tissue. Okay, now our brain is having a protective bony covering which is known as the skull. That means हमारी brain के ऊपर एक bone की covering होती है जिसे हम क्या कहते हैं, skull कहते हैं. And it is covered with three membranous covering. It is covered with three membranous covering which is known as the meninges. दैट मीन हमारा जो ब्रेन होता है ये तीन पतली पतली लेयर्स से कवर्ड होता है, उन लेयर्स को हम मेनिंजेस कहते हैं. एंड इन दीज मेनिंजेस फ्लूड, अ वाटरी फ्लूड इज देयर विच इज नोन एज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड. दैट मीन्स अब क्या हो गया, इसको प्रॉपरली समझ लीजिए कि जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए एक बोनी कवरिंग होती है जिसे हम स्कल कहते हैं. ठीक है, नाउ अब ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, तीन लेयर तीन कवरिंग से पैक्ड होता है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, और हर मेनिंजेस के बीच में एक वाटरी फ्लूड भरा होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड. ठीक है, नाउ अब ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स की बात करेंगे, दैट हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड ऑन वॉट एवर द पार्ट्स ऑफ दिस ह्यूमन ब्रेन. सो इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज द सेरिब्रम, देन सेरिबेलम एंड देन मेड्यूला. That means three main parts of the brain are there, cerebrum, cerebellum and the medulla. Okay, now this cerebrum, this is the largest part of our brain. And if we are going to discuss about the shape of the cerebrum, so it looks like a walnut. Walnut, you are knowing, अखरोट जो आप खाते हैं, तो cerebrum का shape जो होता है, it is looks like a walnut. Okay, now this cerebrum is having ridges and furrows. आपने वॉलनट खाया है, हैव यू सीन वॉलनट में हल्का सा गड्ढा जैसा दिखता है, हल्का उभरा हुआ, तो दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेरेब्रम विच इज नोन एज द रिजेस एंड फरोज. नाउ व्हाई दिस रिजेस एंड फरोज आर प्रेजेंट, बिकॉज टू एकोमोडेट द लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. जितनी ज़्यादा अगर इतने गड्ढे होंगे तो उनके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नाउ दिस ब्रेन, आवर ब्रेन सेरेब्रम इज डिवाइडेड इंटू टू हेमिस्फीयर. ठीक है, ये दो अलग अलग साइड में डिवाइड होता है, एक होता है राइट हेमिस्फीयर एंड वन इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर.
ओके एंड दीज बोथ आर कनेक्टेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल फिजर. अब ये लेफ्ट और राइट साइड जो है वो क्या होता है, दोनों एक लॉन्गिट्यूडनल फिजर के एक पतली सी शीट के थ्रू क्या होता है, वो ज्वाइंट होता है आपस में. ओके नाउ अब इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम, तो सेरेब्रम इज द सीट ऑफ मैनी फंक्शन. हेयर ऑल द लॉजिकल एंड रीजनिंग फंक्शंस आर परफॉर्म. सेरेब्रम इट इज रिलेटेड विद द वॉल्यूएंट्री एक्शन. इट इज रिलेटेड विद वॉल्यूएंट्री एक्शन. नाउ वॉट इज वॉल्यूएंट्री एक्शंस, विच इज इन आवर कंट्रोल, जस्ट लाइक द इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशन, परसेप्शन एक्स्ट्रा. All these things are related with the cerebrum. That means we are going to learn, we are going to narrate, we are going to write, read. That all things are related with the cerebrum. Okay. Now, let us see the second part of brain. That is the cerebellum. So this cerebellum, it is the second largest part of brain, and rather it is very smaller in size as compared to the cerebrum. Cerebrum se bahut chota hota hai, but it is also the second largest part of the brain. Okay, now it is present at the back side of the cerebrum. Cerebrum ke back side mein ye present hota hai, and it is made up of two cerebellar hemisphere. Jaise usme do hemisphere the, left hemisphere and right hemisphere, waise hi cerebellum mein bhi kya hota hai, it is made up of two cerebellar hemisphere. टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर. और ये दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर एक ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे ये जॉइंट होते हैं, उस ब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉन्स. दैट मीन्स द टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स आर जॉइंट टुगेदर बाई अ ब्रिज विच इज नोन एज द पॉन्स. ओके नाउ अब सेरिबेलम, सेरिबेलम की क्या फंक्शनिंग है. सो सेरिबेलम इट हेल्प्स इन दी maintain the body balance as well as coordinates the muscular activity. That means इसका क्या work है, ये हमारे body balance को maintain करता है और हमारी जो muscular activity है उसे क्या करता है, control करता है. अब आपने देखा होगा if a person has drunk and he is not able to balance his body, अगर कोई person alcoholic है, he is completely drunk, so that person is not going to walk properly because the body balance is just affected by the alcohol. क्योंकि जो हमारा cerebellum है, it is going to affected by the cerebellum. That's why that person is not going to walk properly. Now, let us see the third part of brain. That is the medulla oblongata. Now, this medulla oblongata, it is just present at the back side of the brain. That means जो brain का जो पीछे वाला जो last हिस्सा है, जो हमारे सर के पीछे का होता है, वहाँ पर ये present होता है. That's why it is also known as the brain stem. Now, what is the functioning of the medulla oblongata? So, it is just going to control the involuntary actions. It is just going to control the involuntary actions. अब ये involuntary actions क्या होते हैं? So involuntary actions वो actions होते हैं जिनमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता है. That means हम कहीं पर भी अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं. That is the involuntary action. Okay, just like the your breathing, your heartbeat, your movement of food in the food pipe, that is are the functioned by, that is controlled by the medulla oblongata. Okay, now let us see the second part of the central nervous system, which is the spinal cord. Now, स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हैं, जिसे हम बैकबोन भी बोलते हैं. सो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज़ कम्प्लीटली सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लीटली सिलिंड्रिकल होता है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन साइड द वर्टिब्रल कॉलम. कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है. जैसे हमारा स्कल के अंदर क्या होती है, ब्रेन होती है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन साइड द वर्टिब्रल
कॉलम और इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम मेडुला ऑब्लॉन्गेटा टू द एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. दैट मीन जो हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा उसके नीचे से प्रेजेंट होता है और हमारी जो टेल बोन होती है वहाँ तक ये कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है. और इट इज़ मेड अप ऑफ 31 सेगमेंट्स. इट इज़ हैविंग 31 सेगमेंट्स. कीप इट इन योर माइंड. सेगमेंट्स हमेशा याद रखिएगा. इट इज़ हैविंग 31 सेगमेंट्स. ओके. एंड ई सेगमेंट्स गिव आउट ए पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. और हर सेगमेंट से क्या होती है, ऐसे ऐसे स्पाइनल नर्व्स निकली होती हैं. ओके. सो दिस इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ द रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.